तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। मैं हूं आपका दोस्त सागर राज। तो दोस्तों, अगर आप भी एक यूट्यूबर हो, अगर आप भी वीडियोस बनाते हो और वीडियोस बनाते समय बहुत शोर होता है, मतलब आपकी आवाज़ तो आती है और साथ में दूसरों की भी आवाज़ आती है, इसका मतलब ये है कि आपके पास एक अच्छा सा माइक्रोफोन नहीं है। और अगर आप सोच रहे हो एक अच्छा सा माइक्रोफोन लेने की जो आपके बजट में भी आ जाए, मतलब ज़्यादा महंगा भी ना हो, ज़्यादा सस्ता भी ना हो और एक अच्छे प्राइस पर आपको एक अच्छा सा माइक्रोफोन मिल जाए जो नॉइज़ को भी बहुत अच्छे तरीके से कैंसिल करता हो, तो आज है मेरे पास में बिल्कुल वैसा ही माइक्रोफोन, जो कि ये है राइट कंपनी की तरफ से Lav 101। और ये एक लेवलियर माइक्रोफोन है, मतलब ये ज़्यादा महंगा नहीं आता है, ये आता है 1200 रुपये के अंडर में, तो आप इसको आसानी से खरीद सकते हो। और ये सच में इस प्राइस में एक बहुत अच्छा माइक्रोफोन है और ये नॉइस को भी बहुत अच्छी तरीके से कैंसिल करता है। तो करते हैं आज इसकी अनबॉक्सिंग और आप देखना इस वीडियो को पूरा, क्योंकि हो सकता है कि आप इसको खरीदने की सोचो। तो करते हैं आज की अनबॉक्सिंग और बात करते हैं आज की वीडियो के या आज की अनबॉक्सिंग के बारे में। तो दोस्तों, ये है इसका बॉक्स और ऊपर इसकी कंपनी राइट की ब्रांडिंग दी गई है और ये Lav 101 के नाम से आता है, एक लेवलियर माइक्रोफोन है। और अगर आप साइड में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ डिवाइसेस के बारे में बताया गया है कि ये किन किन डिवाइसेस में सपोर्ट करता है, तो जैसे कि DSLR है, स्मार्टफोन है, वीडियो रिकॉर्डिंग है। और दूसरी तरफ भी कुछ और डिवाइसेस के बारे में बताया गया है, जैसे कि कैमकोडर है, एक्शन कैमराज है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि ये काफ़ी सारे डिवाइसेस में सपोर्ट करता है। और ऊपर और नीचे की तरफ तो कुछ है नहीं, आई थिंक यहाँ से स्लाइड होकर ओपन होगा। और पीछे की तरफ भी कुछ और स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया गया है, जैसे कि एक ओमनी डायरेक्शनल कंडेंसर माइक्रोफोन है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो खैर, अब हम करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं कि बॉक्स में और क्या अदर कंटेंट मिलते हैं। तो यहाँ से अपन इसको स्लाइड करके ओपन करते हैं। तो इसकी पैकेजिंग तो काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर की तरफ है ये एक इंस्ट्रक्शन या वारंटी कार्ड वगैरह। तो यहाँ पे एक कस्टमर केयर नंबर है, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट इनको जो है कॉल कर सकते हो, तो ये भी एक अच्छी फैसिलिटी है। और यहाँ पे इसकी पैकेजिंग तो बाकी में काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे तरीके से प्लास्टिक से इसको कवर किया हुआ है और पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले में मिलता है एक सेल, जो कि एक मिनी टाइप का सेल है, और साथ में एक छोटा पॉप फिल्टर जो कि माइक्रोफोन के ऊपर लगाया जाता है। तो अभी हम इसको साइड में रखते हैं। और साथ में कैरी बैग जो कि राइट की ब्रांडिंग के साथ में आता है, और इसकी क्वालिटी भी ठीक है, मतलब ज़्यादा अच्छी भी नहीं है लेकिन ठीक है। और आई थिंक इसके अंदर कुछ और भी है, तो इसके साथ में एक बड़ा वाला पॉप फिल्टर, और इसकी क्वालिटी पहले वाले से थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। और साथ में एक पेपर बुकलेट वगैरह, तो इस पर भी वही इन्फॉर्मेशन और स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है जो कि बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था, तो आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। और अभी हम करते हैं सारी चीज़ों को साइड में और बात करते हैं अपने इस माइक्रोफोन के बारे में। तो इसकी लेंथ तो काफ़ी बड़ी है और मुझे काफ़ी टाइम लगा इसको निकालने में, तो अभी हम इसको साइड में रखते हैं। और साथ में एक ये कॉलर हुक वगैरह, और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पूरी तरह से मेटल का बना हुआ है, तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और अब हम बात करते हैं अपने इस मेन माइक्रोफोन के बारे में। तो इसकी जो लेंथ है करीब 20 फीट की है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि जो लोग कैमरे से काफ़ी दूर जाके वीडियोस बनाते हैं या जो लोग कॉमेडी वीडियोस टाइप बनाते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसकी लेंथ काफ़ी बड़ी है। और इसके कंडेंसर पर भी राइट की ब्रांडिंग दी गई है, और बाजू में एक बटन है जो ये बताता है कि जब भी आप इसको स्मार्टफोन के साथ में यूज़ करो तो हमेशा इसको ऑफ रखना है और अदर डिवाइसेस के साथ में ऑन। और ये है इसका मेन मिक, और ये पता नहीं है क्या है, शायद इसका यूज़ एम्पलीफायर वगैरह में होता होगा, क्योंकि इसकी पिन काफ़ी ज़्यादा ही मोटी है और अपने स्मार्टफोन्स में तो नहीं फंसेगी। खैर, इसके नीचे एक 3.5 mm का ऑडियो जैक, तो इससे तो हम अपने डिवाइसेस में यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन आप मुझे कमेंट में जो बताना कि यार इसका यूज़ आखिर होता कहाँ पे है। और पीछे की तरफ एक बड़ा वाला हुक है, इसको आप अपने पैंट या शर्ट में होल्ड कर सकते हो। और आई थिंक इसका कंडेंसर ओपन हो जाएगा, तो बिल्कुल ये ओपन हो गया है। और इसके साथ में एक और सेल है, मतलब हमें इस पूरे बॉक्स में दो दो सेल मिलते हैं। और ये जो माइक्रोफोन है काफ़ी कम पावर यूज़ करता है, तो काफ़ी टाइम तक ये दोनों ही सेल्स चल जाएंगे, आपको अलग से एक्स्ट्रा बैटरी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस पूरे बॉक्स में हमें दो दो सेल्स मिलते हैं। तो ये हमारा पूरा माइक्रोफोन, और अब हम करते हैं इसका साउंड टेस्ट, वॉइस टेस्ट और नॉइस टेस्ट। तो अब अपन इसको टेस्ट करके देखते हैं, और इसके लिए मैं इसको हाई से हाई लेवल की नॉइस, मतलब जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नॉइस होगी, मैं वहाँ पर इसको टेस्ट करके देखूँगा। और इसके लिए मैं अभी यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर पहले छत पर वीडियो बना रहा था, और अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे सामने की तरफ एक रोड है और यहाँ पे 24 घंटे वाहन निकलते रहते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा होता है, उनकी हॉर्न वगैरह की आवाज़ आती रहती है। तो अपन इसको इस कंडीशन में टेस्ट करके देखते हैं, और अभी मैं थोड़ी देर के लिए चुप होता हूँ, तो आप सुनना कि मोबाइल की माइक्रोफोन से कैसी नॉइस वगैरह आती है, और फिर हम बाद में करेंगे हमारे इस वाले माइक्रोफोन के साथ टेस्ट, तो देखेंगे कि इससे क्या रिजल्ट वगैरह निकलता है। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए चुप होता हूँ और आप सुनना।
तो अभी आप देख सकते हो कि शोर शराबा आपको महसूस हो रहा होगा और यहाँ पे वाहन वगैरह निकल रहे हैं, तो शोर शराबा तो है। और अब हम करते हैं हमारे अरे इस वाले माइक्रोफोन के साथ टेस्ट और देखते हैं कि ये कितनी हद तक बैकग्राउंड की नॉइज़ को हटा पाता है। तो अब जो आप आवाज़ सुनोगे वो इस वाले माइक्रोफोन के साथ होगी। और अब जो आप आवाज़ सुन रहे हो ये हमारे इस माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। और अभी आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा फ़र्क है, बैकग्राउंड की जो नॉइस है वो कितनी अच्छे तरीके से जा रही है, या मैं कहूँ तो पूरी ही तरीके से हट रही है। बस हल्की हल्की माइनर सी नॉइस आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही शोर शराबा रहता है, बट फिर भी आप देख सकते हो कि ये इस कंडीशन में भी काफ़ी अच्छे तरीके से बैकग्राउंड की नॉइस को हटा पा रहा है। और मुझे इस वाले माइक्रोफोन में एक बात और बहुत अच्छी लगी कि दूसरे जो माइक्रोफोन्स होते हैं वो बैकग्राउंड की नॉइस को तो हटा देते हैं, लेकिन हमारी खुद की जो वॉइस होती है वो हल्की सी दब जाती है, लेकिन ये माइक्रोफोन बैकग्राउंड की नॉइस को भी हटा रहा है और हमारी जो खुद की जो वॉइस है उसको भी हल्का सा लाउड कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और मेरे हिसाब से ये माइक्रोफोन इस प्राइस में एक बहुत अच्छा माइक्रोफोन है, क्योंकि बहुत महंगे महंगे भी माइक्रोफोन्स आते हैं, 5-5, 10-10 हज़ार के माइक्रोफोन्स आते हैं, और एक नॉर्मल यूट्यूबर, एक नॉर्मल लोग एक माइक्रोफोन के लिए तो इतना बड़ा खर्चा नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये माइक्रोफोन इस प्राइस में एक बहुत अच्छा माइक्रोफोन है। और अगर आप एज ए यूट्यूबर हो या इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हो या पब्लिक वीडियोस बनाते हो जहाँ पे क्राउड बहुत होती है, क्योंकि जहाँ पे क्राउड होगी वहाँ पे हल्ला तो जरूरी होगा, या आप ऐसी वीडियोस बनाते हो जो कैमरे से काफ़ी दूर जाके बनती हैं, या कॉमेडी वीडियोस टाइप बनाते हो, तो इन सब के लिए ये एक बहुत अच्छा माइक्रोफोन है। और मैं भी इसको पर्सनली यूज़ करूँगा, मेरी आने वाली जितनी वीडियोज़ होंगी उन सभी में मैं इसी का यूज़ करूँगा। और अगर आप ये खरीदना चाहते हो तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी है, आप चाहो तो वहाँ पर जाकर इसको डायरेक्ट चेक कर सकते हो या इसको खरीद भी सकते हो। तो बस दोस्तों ये थी आज की वीडियो और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप चाहो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, नीचे ही लाइक का बटन है। और मैं हमेशा आपके लिए और भी अच्छी, इससे भी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा, तो आप चाहो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक कर देना ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें बिना किसी रुकावट के। तो चलते हैं यार, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नव बुद्धाय, जय भीम।